गाइस, मैं आई हूँ आज पार्लर में मेकअप करवाने, और लास्ट में हम देखते हैं कि कैसा मेकअप होता है। आप अपने हिसाब से आई मेकअप वगैरह कर देना अच्छा सा, ठीक है? ठीक है, वीडियो बना रही, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं नहीं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। सो स्वीट, ठीक है, थैंक यू। पहली बार नहीं बना रही हूँ, उसमें अपने महाराष्ट्र तक बनी। अच्छा, हाँ, तक तो दूर दूर तक की। हाँ, मेरी साथ जो ब्राइडल आर्टिस्ट मेकअप वाले आते हैं वो महाराष्ट्र से, हम दोनों ज्वाइंट में बैठे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो जैसे कोई आर्टिस्ट मेकअप वाला आता है, कोई हैवी पार्टी वाला, तो दोनों ज्वाइंट करके। अच्छा, कोलैबोरेशन पे कर लेते हैं ना। हाँ, चलो। तो अच्छा, उनका जो आर्टिकल्स हैं, प्रोडक्ट हैं उनका, वो महाराष्ट्र से आते हैं हमारे। अच्छा, जैसे अगर उनको महाराष्ट्र के लिए कॉल जाता है दिल्ली से, इस पे बोल दे। हाँ बिल्कुल। तो महाराष्ट्र के लिए कॉल जाता है दिल्ली से, तो हमारे को कांटेक्ट करते हैं कि ये मेकअप है, अगर अकेले से हो पाएगा तो सही है, नहीं तो वो महाराष्ट्र से फ्लाइट से आ जाते। चलो अच्छी बात है। ओके, स्टार्ट करें। मेकअप स्टार्ट, ठीक है। ये रहने दो, मुंह उतार दो, मेरे को पूरा मेकअप चाहिए। सबसे पहले हम चेहरे को क्लीन करते हैं। ये बहुत अच्छा है, हर कोई करता नहीं है। ओके, तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो क्लीन। बाहर से जब आते हैं तो डस्टिंग लगी होती है ना फेस पे, खुद को क्लीन करके फिर ही तो। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ काम किया जाएगा। बिल्कुल। ये हाथ में घोल के ये ब्लेंडर से कौन क्रीम लगाता है भाई? ये क्या लगाया है? ये क्रीम लगाया है। अच्छा, ये अब आपने फाउंडेशन लगाया है। ओके, अब ये दीदी उसी ब्लेंडर से ये एक अजीब सा कंसीलर, जो कि मेरे स्किन पे ब्लेंड भी नहीं हो रहा था और वो मेरे बिल्कुल भी स्किन से मैच नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे मुंह पे वैक्स लगा दी हो। जी हाँ, वैक्स। आपकी फ्रेंड ने बता दिया कि वही चलते हैं पार्लर में। थैंक यू। ये पहली बार आए हैं, उसके बाद यहीं आते हैं, कहीं नहीं जाते। देख लो, फोन करके घर से बुला लाएंगे, जल्दी आ जाओ। अच्छा बनाया ना बेस, आधा 1.5 लाख रुपया खर्च करने को। अच्छा, 1.5 लाख रुपए लगाए आपने? हेयर्स भी है या फिर सिर्फ मेकअप? मेकअप सारा ही काम आता है उसमें, पार्लर के इसमें कॉस्ट। अच्छा 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 है। क्या करेंगे, माँ बाप ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। बिल्कुल, बीएससी साइंस से हूँ। अच्छा, साइंस स्टूडेंट, बट किस्मत खराब होती है तो। सही बात है। नहीं, ये भी काम अच्छा है। ये तो चलो, सबका सपना था कि करे कुछ है। पापा ने पैसे तो बहुत लगाए हमारे लिए, बट अब ये मेरे डार्क स्पॉट को ऐसे रिपेयर कर रही हैं जैसे पता नहीं यहाँ पे सर्जरी कर डालेंगी। देख रहे हो, मेरे फेस को हेडलाइट बना के ऐसे अलाइन कर रही हैं, सीधा देख, ऐसे देख, वैसे देख, जैसे पता नहीं क्या करने वाली हैं। और ये तरीका नहीं होता, इनको कौन समझाए कि कलर करेक्टर यूज़ होते हैं, ना कि ये सीधा कंसीलर डाल दिया उसने डार्क स्पॉट पे और हो गया। बट ये कंसीलर से इन्होंने पूरा मेकअप निपटाने का प्लान कर रखा है, और ये मेरे मुंह को ऐसे हेडलाइट की तरह हिला रही है बार बार।
और अब ब्लश अप्लाई करने वाली थी जब ये, तो मैं तो देख के मेरी आंखें फट गई अंदर से। मैं इतना रो रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये आई मेकअप की किट है जो कि अब मैं क्या बताऊँ। और ये गोला बना बना के गोले बना रही हैं, मेरे को लगता है इन्होंने छुटकी बनाने की प्लानिंग कर रखी है, ताकि ये छुटकी बनाएंगी और मुझे छोटा भीम कार्टून में ही डाल देंगी। और ये आई शेडो कौन लगाता है भाई, मुझे ये बता दो सबसे पहले। आई शेडो मेरे गालों पे लगा रही है, और वो ब्रश इतना सड़ेला ब्रश था, इतना छोटा सा ब्रश। और उसके बाद एक वो ही जो एक ही है ये ब्लेंडर, एक ही ब्लेंडर से इन्होंने पूरा मेकअप वही लगाया करा। और मेरा जो मुंह है इन्होंने हेडलाइट बना के इधर से उधर मूव करा रही है, और ये छुटकी बनाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और गाइस मैं क्या बोलूँ, मुझे रोना आ रहा है। ये वीडियो बनाने से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, कुछ फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है हमारी, जैसे बाहर दूर दूर तक जाती है वीडियो, लाइक कनाडा अमेरिका हाँ सब देखते हैं। सोच रही हूँ कनाडा जाने की। आप हाँ, अभी अच्छी जगह है कनाडा। अभी कुछ कोरोना की वजह से ना लॉस पे चले गए। अच्छा हाँ। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। नहीं कनाडा अच्छी जगह है, मेरे भी काफी रिलेटिव्स हैं कनाडा में। अब देखो इतना पैसा लगाया है तो दिल्ली पे तो रहते हुए 8 साल हो गए। अच्छा उससे पहले? उससे पहले हिमाचल में मैंने शॉप खोली। अच्छा फिर दिल्ली क्यों आए? मेरे हस्बैंड की जो दिल्ली में है, हम तो घूमने आए थे, इन्होंने भेजा ही नहीं घर। जहाँ बच्चों को डाला, दरअसल पहले हिमाचल में जॉब करते थे ना स्कूल में। अच्छा स्कूल टीचिंग लाइन। अच्छा आप टीचर भी थे? अरे बहुत कुछ करा है बस। चलो किस्मत ने साथ नहीं दिया बस। नहीं नहीं देखो टाइम थोड़ा सा लगता है हर चीज़ में। अब तो टीचिंग के लिए टाइम चला गया ना। नहीं टीचिंग अभी भी क्रेज है। 36 चला गया ना। 36 मतलब 36 एज है। अच्छा 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 34 तक हो सकता है पिछले। चलो ये भी काम अच्छा ही है। हमने स्कूल में बात करी, जहाँ बच्चों को डाला है तो उन्होंने बोला 2500 रुपया। 2500? हाँ तो 2500 में क्या होता है, जहाँ मैं हिमाचल में जाती थी 9000 रुपये सैलरी। अच्छा गाड़ी फ्री घर से ले जाती थी, घर में छोड़ जाती थी है। हाँ और एक बच्चा फ्री पढ़ता था। देखो तो 9000 रुपये बहुत है हमारे लिए। हाँ एक ही बच्चे का फीस देनी थी ना। बिल्कुल। और ट्यूशन भी आ जाता है, इनकी 15000 रुपये आराम से हाथ में हाथ में। बताओ बता, कुछ सही नहीं लगा यहाँ पर। कोई नहीं ये कलर है आपकी ड्रेस का, थोड़ा डार्क है मरून सा। अगर हम पार्लर का कर रहे हैं तो उसमें मेन आएगा थ्रेडिंग, अगर हम मेकअप में कर रहे हैं तो मेन आएगा आईज मेकअप। आई मेकअप, आईज मेकअप सही है तो सब सही है, अगर आईज मेकअप गलत है तो सारा कितना बड़े आर्टिकल्स लगा लो मेकअप का वो सब गलत है, सब बर्बाद हो जाता है, सब बर्बाद है सच में। और सब तो जल्दी जल्दी हो जाता है बट इनमें फंस जाते हैं। हाँ आई मेकअप ना ये 10 बार सोचना पड़ता है, ये जच रहा है नहीं जच रहा है। हाँ ये तो है, मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपको सही लग रहा है? नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। ये थ्रेडिंग किसने बनाया आपका? मैं किसी से करवाती हूँ, सही नहीं है। कोई नहीं इस बार नेक्स्ट टाइम आऊँगी आपसे बनवाऊँगी। अपने फ्रेंड्सों की नहीं देखी आपने? तारीफ करती है काफ़ी। थैंक यू। ये थ्रेडिंग का लुक चाहिए आप? ये वाला मोटा, ये वाला पतला है?
ये थ्रेडिंग बिल्कुल ताड़का वाली जो होती है ना, बिल्कुल वैसी बना दी है, मुझे डायन वाली फीलिंग आ रही है। तो पूरा मेकअप के बाद लुक आएगा। क्या हुआ, कैसा लग रहा? पूरी शेप आ गई, ऐसी शेप चाहिए मेकअप के। बेटा मस्कारा दे देना। बराबर। बाहर और निकालूं या इतना से? निकाल दो आपको जैसे अपना क्या स्टाइल। मुझे बाहर ही पसंद है वैसे तो। इतना सही है, वो आपका चेहरा थोड़ा लंबा है तो ये अच्छा चेहरा है। अच्छा, अगर गोल होता तो हम थोड़ा ऊपर को मोड़ देते। अच्छा, और अच्छा लगेगा। ओके, ये बाबा आदम के ज़माने का सूखा काजल मेरी आंखों में ऐसे घुसेड़ रही थी जैसे मेरी आंखों में लगाते ही चल पड़ेगा। उसे मुझे नीचे थोड़ा सा मोटा पसंद है काजल, आंखें बड़ी लगती है उससे। मुझे डायमंड वाली बिंदी अच्छी लग रही है। आपको पसंद आ रहा है? हाँ बिल्कुल पसंद आ रहा है। बंद ना तो करना, बंद नहीं करना इसको। ओके, आपका चेहरा नेचुरली चेंज हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो गया। बहुत अच्छा है, आपको लग रहा है? बहुत ज़्यादा। थैंक यू, यू वेलकम। हाथ लगे हुए हैं ना तो वहाँ धब्बे धब्बे आ जाएंगे। बिल्कुल, ये उसको तो पूरा करना है ताकि फोटो में ज़रा लुक्स आ जाए। बिल्कुल, वीडियो बना रहे तो क्या हमारे फ़ोन पे भी आ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेयर करवा दूँगा। कितने साल से पार्लर चला रहे हो आप? ग्यारह साल हो गए। टाइम देखो, पता नहीं चलता है ना, 11 साल ऐसे साल निकलते रहेंगे। शादी के बाद ही कोर्स में चले गए थे ना, थोड़ा फैमिली सही हो तो नेचुरली सारे काम हो जाते। सच में फैमिली गलत है, उनका कुछ दिमाग में गलत ही हो जाता है तो कुछ नहीं कर पाते हैं। मेन तो ये है कि अपने हस्बैंड सही होने चाहिए। सही में आपकी लव है, अरेंज है? नहीं, अरेंज नहीं, एक साल तक रहा हमारा तो। अच्छा, लव है। इसी सुल्तानपुर में हम लोगों ने एक दूसरे को देखा। ओ वाओ, मिले इसी पे ही रहे, जैसे मिलना जुलना इसी पे रहा और यही रह रहे हैं और यही जो इसी सुल्तानपुर में। मेट्रो के बाहर जूस की दुकान आती थी पहले, अब बंद हो गई है, वो टूट गई। उसी जूस की दुकान में सबसे पहले हमने वहीं पे मिलन हुआ। अच्छा, आप जूस पी रहे थे क्या? जूस पिया था हम दोनों ने। क्या अच्छी स्टोरी है, लव लव स्टोरी बड़ी अच्छी है आपकी। वहाँ रुकते हैं अब भी, कह रहे लास्ट टाइम भी इधर ही पीते हैं। अब आप भी देख लो कहीं आपको लग रहा हो। बढ़िया है, है ना? हो गया, हो गया। अब मैं एक मिनट रुक जाऊँ, सही कर दें अभी। हाँ, अच्छा। अभी मैं आपका फोटो लूँगी क्योंकि मेरे को आगे जयपुर की तरफ भी सेंड करनी है। अच्छा,
देख रहे हो इनके हेयर का तरीका, वाह क्या हेयर स्टाइल बनाने जा रही हैं। ये 2 साल का बच्चा भी इससे अच्छा हेयर स्टाइल बना लेगा अगर कोई वो यूट्यूब ट्यूटोरियल वीडियो देख लेगा। बट यहाँ पे पता नहीं इन्हें मुझे क्या बनाना चाहा है और इनकी क्या प्लानिंग थी, इतना वाहियात मेकअप और ऊपर से ये हेयर स्टाइल। गाइज मेरा मेकअप हो चुका है और बहुत दीदी ने एफर्ट लगाए हैं एंड आई रियली इन्जॉय। उनका नेचर बहुत अच्छा है। आप मेरे इस मेकअप को क्या रेट करेंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो।